नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक जो है बड़ी खबर जो है मार्केट में आ रही है अभी अभी, जैसा सुनने को मिल रहा है, और एक इस चीज़ का अंदाज़ा भी जो है लगाया जा रहा था पहले से ही कि इस सारे पंगे से, जैसे ग्रुप 56 में जो है एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन होया है, ये एक जो है दोस्तों बहुत बड़ा विवाद हो गया है। क्योंकि 50 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में रिपीट होना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि अब HSSC कोई एक्शन इस पर लेने वाला है। तो दोस्तों ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी खबर जो है ये लेके आ रही है कि अगर कोर्ट के मसले से जो है बचना है, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में मामला जाएगा तो लंबा खींच सकता है, और कोर्ट जब जो है आदेश दे सकता है कैंसिल के, पेपर कैंसिल के, तो इस सारे लफड़े से बचने के लिए, ताकि भर्ती सेफ हो, सेफ ज्वाइनिंग देश के किसी तरह के मामले में अड़चन ना आए, इसको लेकर दोस्तों HSSC स्टेप जो है वो उठा सकता है। यही जो है खबर दोस्तों सामने से निकल के आ रही है कि HSSC इस पर स्टेप ले सकता है, जो आज हुआ है रिपीट क्वेश्चन पर। हो सकता है दोस्तों एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, आपका कैंसिल भी एग्ज़ाम करके, क्योंकि ये सारे लफड़े से बचने के लिए हो सकता है दोस्तों आपका इसी वीक जो है आपका फिर से एग्ज़ाम जो है हो जाए, वही आपके सेंटर हो जाए, सिर्फ दोस्तों क्या है एग्ज़ाम जो है सेफली हो जाए, किसी प्रकार का एग्ज़ाम पर विवाद ना हो। तो बहुत से बच्चे चाहते थे कि जो है एग्ज़ाम फिर से हो, रद्द हो, तो उसको देखते हुए दोस्तों हरकत में है HSSC। तो लग रहा है कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम फिर से जो है HSSC करवा सकता है, सिर्फ इसी चक्कर में कि ये भर्ती ज़्यादा ना उलझ जाए और ज़्यादा लफड़े में ना आ जाए और कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम करवाना है, DV करवाना है, रिजल्ट निकलवाना है, और फिर से रिजल्ट निकालना है, फिर ज्वाइनिंग देनी है, बायोमेट्रिक करानी है, मतलब दोस्तों अभी बहुत प्रोसेस करवाना है इसको लेकर, इसलिए ये भर्ती कहीं लंबी ना खींच जाए। इसको लेकर HSSC दोस्तों जो है तेज़ी दिखा सकता है, इस पर एक्शन ले सकता है। आपका क्या मानना है इस पे, आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों शेयर करें, और देखते हैं दोस्तों क्या रहने वाला है आज या कल में। दोस्तों एक दो दिन में ये ले सकता है HSSC स्टेप, क्या पता आज ले ले या कल ले ले, लेकिन HSSC संकेत मिल रहा है कि एक बड़ा स्टेप उठा सकता है और फिर से आपका जो है एग्ज़ाम करवा सकता है विद इन, ये नहीं है ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, एक दो दिन के अंदर ही, अंतराल के अंदर, या मैक्सिमम 1 वीक लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो फ्रेश शेड्यूल जो है ग्रुप 56 का वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।